पी लहरी, जो कि एक महान संगीतकार और गायक थे। उनका जन्म पश्चिम बंगाल में हुआ था। हाल ही में उनका निधन हो गया है। बप्पी लहरी को प्यार से बप्पी दा भी कहा जाता था। बप्पी दा का रियल नेम आलोकेश लहरी था। सोने से लदे बप्पी दा के संगीत में डिस्को की चमक धमक नजर आती थी, तो उनके कुछ गाने सादगी से परिपूर्ण हैं। उनके निधन की वजह ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप अपनिया ओएसए नामक बीमारी थी। आइए तो चलिए देखते हैं ओएसए क्या है। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप अपनिया, ऑब्स्ट्रक्टिव मतलब रुकावट होना, स्लीप मतलब सोते समय, अपनिया मतलब सांस का रुकना। सोते समय रुकावट की वजह से सांस के रुकने को हम ओएसए कहते हैं। यह रुकावट अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो कि वोकल कॉर्ड के ऊपर होता है, उसमें सोते समय होती है। इस रुकावट की वजह से सांस रुकता है और सांस रुकने की वजह से ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है शरीर में, इसलिए इस बीमारी को ओएसए कहा जाता है। इस बीमारी के लक्षण दो तरह से देखने मिलते हैं, एक दिन में और एक रात में। रात के लक्षण में मरीज सोते समय खर्राटे लेता है, जिसे हम स्नोरिंग भी कहते हैं। इसके अलावा मरीज सोते समय सांस ना ले पाने की वजह से सांस लेने के लिए एकदम से उठ जाता है और इसी वजह से वो अच्छे से भी नहीं सो पाता है। आइए चलिए देखते हैं कि दिन के लक्षणों में क्या क्या मरीज में देखने मिलता है। दिन के लक्षण, काम करते समय मरीज को नींद के झटके आते हैं। इसके अलावा सुबह सुबह सरदर्द भी रहता है और मेमोरी भी कम होती चली जाती है और रात में ठीक से न सो पाने की वजह से दिन भर थकान भी रहती है। ओएसए से शरीर पर भी काफ़ी सारे प्रभाव पड़ते हैं, जैसे ब्लड प्रेशर के चांसेस बढ़ जाते हैं, डायबिटीज़ होने के, हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं, स्ट्रोक जिसे हम लकवा भी कहते हैं होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। और ऐसे हेल्थ रिलेटेड टिप्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।